नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी कैबिनेट में प्रस्ताव दुरुपयोग पर पड़ेगा प्रभाव। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से एक ओर जहां राज्य सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आर पार की लड़ाई के लिए आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 24 जुलाई से केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है, साथ ही यात्रा का प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के नाम पर सवाल खड़े करने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से माफी मांगने और जल्द से जल्द केदारनाथ धाम का शिला दिल्ली से वापस उत्तराखंड लेकर आने की मांग की है। ऐसा ना करने तक आंदोलन जारी रखने को भी कहा है। वहीं इस हंगामे के बीच दिल्ली में मंदिर का निर्माण करा रहा केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया है। ट्रस्ट ने मंदिर का नाम बदलने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि हम दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, केदारनाथ धाम की स्थापना नहीं की जा रही है, इसलिए हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ट्रस्ट का नाम बदला जाए। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेकर इस आक्रोश को थामने की कोशिश की। दरअसल धामी कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए। इसके तहत अब धामों में और मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन, संरक्षण और प्रसार के लिए राज्य में अब सरकारी विश्वविद्यालयों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की जाएगी। धामी कैबिनेट के इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उनके दबाव में आकर मुख्यमंत्री को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि इतना सब करने के बावजूद भी कांग्रेस क्यों इस आग को शांत नहीं होने दे रही। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के बाद मचा बवाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। संत समाज, तीर्थ पुरोहितों के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। बढ़ते जन दबाव को देखते हुए सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल देर शाम तक चली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब उत्तराखंड के धामों, मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन, संरक्षण और प्रसार के लिए राज्य में अब सरकारी विश्वविद्यालयों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की जाएगी। धामी कैबिनेट ने इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उनके दबाव में आकर मुख्यमंत्री को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। और हमारे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं देश के, उनके बारे में, उनके नाम या उनको जो संचालन करने वाली समिति है या ट्रस्ट है, उनसे मिलते जुलते नामों को लेकर के जो कई कथित है ट्रस्ट और समितियां गठित की जाती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कानून बनाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय लिया। हिंदू जो आइडियोलॉजी है, ये एक जीवन पद्धति है और मैं समझता हूँ कि इस जीवन पद्धति को सनातन भी हम कह सकते हैं, सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं, और हजारों वर्षों से जो सनातन संस्कृति, सनातन जीवन पद्धति चल रही है, इसका अध्ययन तो निश्चित रूप से होना चाहिए और इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार भी आएगा और जो कई वर्षों के, हजारों वर्षों के जो अनुभव है जीवन जीने के, जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के, यह नई पीढ़ी को सीखने का, जानने का अवसर मिलेगा, तो यह एक ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है। सरकार को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई और मामलों में स्टडी करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के अंदर इतने प्रतिभावान छात्र हैं, उनको सिर्फ धर्म राजनीति के चक्कर में ना डाला जाए, क्योंकि जो अपने धर्म की शिक्षा है, जो जिस वर्ण से आदमी आता है, जिस धर्म से आता है, उसको शिक्षा वहाँ पे मिलती है। बेहतर होता कि अगर वहाँ पे छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी जाती, या मतलब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ाया जाता, देश विदेश में जो स्टडी होती है, किस प्रकार से वहाँ पे स्टडी हो रही है, उनके बारे में अगर पढ़ाया जाता तो बहुत बेहतर होता। एक और जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़े फैसले लेकर मंदिर निर्माण पर मचे बवाल को थामने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आर पार की लड़ाई के लिए आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 24 जुलाई से केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा निकालने का फैसला लिया है, साथ ही यात्रा का प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के नाम पर सवाल खड़े करने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से माफी मांगने और जल्द से जल्द केदारनाथ धाम की शिला दिल्ली से वापस उत्तराखंड ले
आने की मांग की है। ऐसा न करने तक आंदोलन जारी रखने को कहा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है। केवल सत्ता और सत्ता के लिए दुष्प्रचार, यह कांग्रेस का एक तंत्र रहता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है कि मैं कल दो दिन से देख रहा हूँ कि करण मेहरा जी ने अब गणेश गोदाल जी को आगे कर दिया है। जब यात्रा निकल रही थी करण मेहरा जी आ गए थे, अब जब इतना बड़ा निर्णय हो गया तो अब गणेश गोदाल यात्रा निकालेंगे तो जनता क्या जवाब देगी कि समर्थन की यात्रा की विरोध की यात्रा की, धाम शब्द का जो निर्णय लिया उसका विरोध कर रही कांग्रेस, इसका जवाब जनता देगी। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ मंदिर में कांग्रेस के रुख पर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें संत क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित क्या कह रहे हैं और जो सनातन प्रेमी क्या कह रहे हैं, हम तो उनके संतुष्टि के लिए अपना कार्यक्रम चला रहे हैं कि आखिर सनातन की मनमानी व्याख्या, हमारे ज्योतिर्लिंगों के साथ मनमानी छेड़छाड़ जो लोग कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी क्या सोच करके केदारनाथ धाम ट्रस्ट के कार्यक्रम में दिल्ली गए। अब भले ही सरकार जब फंस गई है तब सफाई दे रही है, लेकिन ऐसा कृत्य होना ही नहीं चाहिए था। और अब तो नया एक मामला सामने आ गया है कि तेलंगाना में भी जो लोग केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे हैं वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने के बाद से मचा बवाल थम नहीं रहा है। तमाम तीर्थ पुरोहित संत समाज के साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोल रखा है। वहीं कांग्रेस इस आग को फिलहाल शांत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल ये है कि तमाम कड़े फैसले लेने के बाद भी कांग्रेस की ये पदयात्रा आखिर किस बात के लिए है? क्या कांग्रेस का ये हंगामा केदारनाथ उपचुनाव के जीतने की वजह है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, मंदिर पर जो लगातार सवाल विपक्षी दल द्वारा उठाए गए थे उसके बाद अगर हम बात करें तो जो दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं वो ट्रस्ट का नाम चेंज करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो धाम नहीं है, मंदिर ही कहलाएगा। सरकार ने आज दो प्रस्ताव पेश किए हैं जिसमें जो ट्रस्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी कांग्रेस यात्रा निकालने पर आमादा है। सवाल ये है कि अगर सरकार इतना कुछ कर रही है तो विपक्षी दल इस मुद्दे को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? क्या बड़ी वजह केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव है? क्या ये बड़ी वजह है कि वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए महज ये कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाली जाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता UKD हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घड़ियाल जी समाज सेवी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आपसे करते हैं। पहले समझ में आ रहा था, विरोध हो रहा था क्योंकि आपने धाम कह दिया था केदारनाथ को, और धाम सिर्फ एक ही होता है। विपक्ष का ये समस्या थी कि भाई धाम सिर्फ एक ही हो सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से विरोध हुआ या साधु संतों ने जो नाराज़गी व्यक्त की, वहाँ दिल्ली का जो ट्रस्ट था वो भी बैकफुट पर नज़र आ रहा है, उसको मंदिर करार दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस यात्रा निकालने की बात कह रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। इसलिए देखिए, कल ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी मंदिर मठ ट्रस्ट या कोई भी संस्था से मिलता जुलता नाम यदि कोई भी रखे उसके लिए उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि ये इस वजह से ताकि कहीं पर भी किसी भी की धार्मिक आस्था के ऊपर किसी भी संस्था पर और किसी के विश्वास पर कोई केस ना पहुंचे और कहीं पर भी किसी उसका दुरुपयोग ना होने पाए। और सरकार पहले भी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी। और आप ये देखिएगा, जो दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर की बात चल रही थी तो केदारनाथ मंदिर है ना कि केदारनाथ धाम, क्योंकि धाम नहीं, पहले तो धाम ही था ना, अब आपने उसको बदलने की बात, अब वो बैकफुट पर आए अभी।
तो वो धाम ही कह रहे थे उसे, ट्रस्ट का नाम बदलने की भी बात इसीलिए कही जा रही है, तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते संजीव जी? ये देखिए, मंदिर मंदिर का निर्माण हो रहा था और वहां पर भी पहली बात तो यह है कि सरकार का किसी भी प्रकार का उस मंदिर से जो दिल्ली बन रहा था उसे किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं था। वो किसी संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है और उस संस्था ने भी जो अपना ट्रस्ट है, ट्रस्ट का भी नाम चेंज करने के लिए जो भी कार्यवाही है उसको एक तरह से प्रोसेस में ला दिया है। अब संजीव जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, इस पर भी जवाब दीजिएगा जरा, कि आपने खुद ही कहा कि ये जो है ये किसी संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो धामी जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी इसका शिलान्यास करने की? साथ ही साथ अगर हम बात करें, उन्होंने शिलान्यास तो किया ही किया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 6 महीने आप उधर दर्शन करिए, 6 महीने इधर दर्शन करिए, तो जाहिर है ना कि विरोध की आग तो वहीं से शुरू हुई और उसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। ये भी देखिए, कांग्रेस पार्टी जो प्रारंभ से ही इनका चरित्र पूरा देश जानता है, सनातन विरोधी हैं, भगवा विरोधी हैं, और इनको क्या लेना केदारनाथ से, इनको क्या लेना बद्रीनाथ से, और इनको क्या लेना तिरुपति बालाजी से, और क्या लेना इनको जगन्नाथ से। इनको केवल और केवल राजनीति करनी है, और क्योंकि अभी केदारनाथ में उपचुनाव बिल्कुल सन्निकट है और ये केवल और केवल राजनीति का एक मुद्दा लेकर इस तरह की ये शोर मचाने का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस, तो मैं सोचता हूँ उसके मूल में केवल और केवल राजनीति है। और ये लोग जो जिस प्रकार से भी बात कर रहे थे कि हम यात्रा निकालेंगे, तो पहले भी कांग्रेस पार्टी कई बार यात्राएं निकालने की बात कहते रही है और अंजाम उसका क्या हुआ टाइम टाइम पीस ये जाहिर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग विकास करते हैं, और ये लोग केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं और कभी ये बात करते हैं कि हम जुम्मे की नमाज का जीरो लेकर आ जाते हैं, इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी केवल धार्मिक तुष्टिकरण का काम करती है, तो जाहिर है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी आप ये देखिएगा, कांग्रेस पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए, जो तेलंगाना में तो आपकी सरकार है, तो आपने उसके ऊपर कौन सी कार्यवाही कर दी? आपको भी वहां पे रुकाना चाहिए, ये वहां पे तो जो भी एक्शन लेना है आपकी सरकार लेगी ना, तो आप दोहरा मापदंड किस लिए? ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ठीक है, और वापस आते हैं, वापस आएंगे संजीव जी। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि जब ट्रस्ट का नाम धाम से बदलकर उसे मंदिर बता दिया गया है, सरकार ने आज दो प्रस्ताव भी पेश कर दिए हैं कि कोई भी इस तरीके से अनर्गढ़ ट्रस्ट का नाम लेकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर कांग्रेस इसको इतना तूल क्यों दे रही है? इस मुद्दे को प्रतीकात्मक स्वरूप तो बहुत बनते हैं, एक केदारनाथ का भी बनेगा, तो उसमें क्या आपत्ति आ रही है कांग्रेस को? और क्या ये जो केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं, इस वजह से आप इस मुद्दे को इतना तूल दे रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा। कंटिन्यू करिए आप, आपकी आवाज आ रही है राजन जी, आप कंटिन्यू करें। यशी, दरअसल ये इनका एक जी दरअसल भाजपा का जो है ना, ये धर्म के हो गए राजनीतिक ठेकेदार। इन्होंने राम मंदिर पे भी यही किया, राम मंदिर के निर्माण में भाजपा का कोई योगदान नहीं है, ना ये कोर्ट में पार्टी थी, ना ये वैसे थी, सिर्फ इन्होंने राजनीतिक लाभ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना और उसका पूरा श्रेय लेने का काम इन्होंने करना चाहा, जो कि नहीं चला। जहाँ तक केदारनाथ धाम की बात है, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे सनातन धर्म में, उनमें से एक
एक केदारनाथ भी है, तो जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना मुख्यमंत्री कर सकते। ये तो सृष्टि के जो रचयिता हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये तो उसका स्वरूप भी बदलना चाह रहे हैं। तो क्या ये धर्म के ठेकेदार हैं? आखिर ये किस हैसियत से ऐसा कर रहे हैं? जबकि जो है, अगर ये वास्तव में उसके धर्म के हितेशी हैं, सनातन धर्म के, तो इन्हें तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था। और कांग्रेस यात्रा क्यों ना निकाले? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है इस देश में धर्म की स्थापना हो? क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करा? क्या इंदिरा गांधी जी ने भारत माता मंदिर का उद्घाटन नहीं किया? क्या हमारे नेता जो हैं उनकी आस्था नहीं है? ये बेकार की बात कर रहे हैं, इनका क्या है? ये तो झूठे हैं, ये तो झूठे ठेकेदार हैं भगवान के। और इन्होंने तो जो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे, हिंदू मार दिए। आज 80% जो है इस देश में हिंदू आबादी है। अगर बेरोजगारी है तो 80% हिंदू बेरोजगार है। अगर आज गरीब हुआ है तो 80% हिंदू गरीब हो गया। अगर अग्निवीर में भर्ती हो रही है, शोषण हो रहा है युवाओं का, तो वो उसमें 80-90% जो गरीब हिंदू है। ये तो छदम जो है राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, छदम वो हैं हिंदूवादी, छदम सतानातनवादी। क्या मतलब है आखिरकार जो है केदारनाथ को वहाँ हिमालय की गुफाओं से, कंदराओं से उठा के दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे राजेंद्र जी, जब बद्रीनाथ बन जाता है मुंबई महाराष्ट्र में, वहां किसी को समस्या नहीं होती। आपको केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप अगर बन रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम है? जो आपकी धाम वाली समस्या थी, वो तो यहाँ पर सरकार ने उसको बताया, और साथ ही साथ जो ट्रस्ट बना रहा है उसने इस बात का जिक्र किया। फिर आप क्यों इस बात पर इतना ज्यादा इस मामले को तूल दे रहे हैं? समझना ये चाहती हूँ मैं। यशी जी, अगर बद्रीनाथ भी बनाए तो वो भी गलत है। आप ही के हरीश रावत जी उद्घाटन बद्रीनाथ भी नहीं बनता, और तब गणेश कोई भी उद्घाटन करे, हरीश रावत करें, मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू है, जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है, सनातन धर्म में, वो इस कृत्य का समर्थक नहीं हो सकता, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो। ठीक है, दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। दीपक जी, जब सरकार बैकफुट पर आ गई है, जब सरकार ने दो आज प्रस्ताव जो पास किए, इससे मिलते जुलते, साथ ही साथ जो ट्रस्ट की तरफ से बयान आया, उसके बावजूद भी कांग्रेस का इस पर राजनीति करना, कैसे देख रहे हैं? धर्म की राजनीति, सनातन की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या इसमें कोई, इस विषय में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है? अब कांग्रेस क्या करती है, वो कांग्रेस के ऊपर है। अब आप यासी जी देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो चीजें बड़ी अजीब सी हैं, जो 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 भारतीय जनता पार्टी इससे बच नहीं सकती है। अब आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री के पास कोई, मुख्यमंत्री किसी भी प्रोग्राम में चले जाते हैं क्या यासी जी, उनका उनकी एक पीआर टीम होती है, उनके उनके विशेषज्ञ होते हैं, वो बताते हैं कि आज आपका प्रोग्राम कहाँ है कहाँ नहीं है। पहली बार आप देखिए, जब कोई पहली बार जाता है, आपने वो नाम पढ़ा होगा जिसमें वो लिखा हुआ है केदारनाथ मंदिर धाम दिल्ली ट्रस्ट। और सबसे पहले यदि कोई थोड़ा सा भी विवेक जो समझदार व्यक्ति होगा तो उसको आपत्ति करेगा। और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि धामी जी वहां पर पत्थर भी रखे आते हैं, सिलेंडर भी करके आ गए। अरे वाह, क्या केदारनाथ की शिवलिंग उठाकर रख दी उन्होंने, मैं यही तो पूछ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का विरोध हो रहा है ये। मैं बीजेपी के फेवर में बात नहीं कर रही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई जो सारे इतने प्रतीकात्मक स्वरूप है, सिर्फ केदारनाथ को लेकर इतना हल्ला क्यों मच रहा है? क्यों साधु संतों को लेकर, साधु संतों की आड़ में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है? अभी मैंने बताया आपको, मैं चीख चीख कर वही बात कह रही हूं कि जब धाम को उन्होंने मंदिर, अपनी गलती स्वीकारी, उसको उन्होंने मंदिर कह दिया है, तो अब आपको क्या आपत्ति है? अभी कल तक तो आपको यही आपत्ति थी कि धाम क्यों कह रहे हैं उसको। अब जब वो आपत्ति खत्म हुई, तो अब आपको इससे ही प्रॉब्लम है कि भाई क्यों ही बना रहे हैं मंदिर।
आदमी की बात को बताता हूँ, तो क्या आज जो अध्यादेश पास हुआ है या कैबिनेट पास करने वाली है, ये जो केदारनाथ मंदिर से ट्रस्ट बना रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? ये यहाँ पर बोलने ये करेंगे जिसका शिलान्यास प्रधान मुख्यमंत्री जी खुद करके गए, क्या वो इसके दायरे में आएगा? मुझे बताइए, बताइए ना, जब वो ट्रस्ट खुद अपनी गलती मान के अपना नाम चेंज कर रहा है, अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है, उसमें तीन चीजें रखी हुई हैं, धाम, मंदिरों के नाम और ट्रस्टों के नाम, तीन चीजें आई हैं उसमें। आज आपको जो स्पष्ट करा गया है, उत्तराखंड के जो धाम है उनके और मंदिरों के नाम है, मंदिरों को अलग करा गया है, धामों को अलग करा गया है, और जो ट्रस्ट है यहाँ पर विभिन्न ट्रस्ट है जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके नाम से अगर कोई करता है तो आप मुझे बताइए अब वो कौन से नाम रखने वाले हैं? और ये नाम उनको जब उद्घाटन करने गए थे तब नजर नहीं आया, अब चलिए मैं इस बात में नहीं आ रहा। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि इस प्रदेश के लिए भाजपा और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और उत्तराखंड क्रांति दल तो दोनों से डसा हुआ है, इसलिए हमें बोलने में कोई हिचक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पलायन रोकते रोकते अब तो ये हमारे धामों का भी पलायन करने लग गए हैं। आप देखिए ना, पलायन रोकने की पर पलायन आयोग बन गया, लोगों का पलायन तो रोक नहीं पाए, अब हमारे धामों का पलायन करने लग गए दोनों। एक मैं कल भी आपके बात आपके प्रोग्राम में था, मैंने कहा था कांग्रेस बद्रीनाथ को बॉम्बे ले गई और भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही, वो केदारनाथ को दिल्ली ले गई। अब समस्या क्या है कि आप और आज ही आपके जो प्रोग्राम है उसमें पता चल रहा है तेलंगाना में भी कुछ खुल रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं आप? फिर आप कहते हैं कि यहाँ जो एक इस प्रदेश की चिंता उत्तराखंड क्रांति दल करता है ना, हम लोग अगर इसमें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बात करेगा? और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना यासी जी, यदि अगर विपक्ष ने बात नहीं करी होती उत्तराखंड क्रांति दल ने या और जितने विपक्ष पार्टियों ने किया होता, तो यह आज रातों रात में कैबिनेट बैठा के ये अध्यादेश नहीं ला रहे। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। यासी जी देखिए, बात पूरी तरह से स्पष्ट है ना, तो इनको मैंने जैसे पहले भी बोला ना, तो इनको केदारनाथ जी से कोई लेना देना ना बद्रीनाथ जी से कोई लेना देना, इनको आप ये कहना चाह रहे हैं क्या उत्तराखंड क्रांति दल से कोई लेना देना नहीं है? श्रीमान जी मैंने उत्तराखंड क्रांति दल की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मुद्दा कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया है और उनके द्वारा मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि उनको केदारनाथ उपचुनाव सन्निकट दिखाई दे रहा है और ये केवल और केवल एक सत्ता की राजनीति, इसका पीछे का जो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ केदारनाथ के उपचुनाव को ये कैसे प्रभावित करें, कैसे वहां पर दुष्प्रचार करें, कैसे वहां की जनता की भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करें और कैसे जो लगातार झूठ फरेब की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है, ये हर जगह कहीं भी एक कोई भी बात होती है ये मट्टी तेल और पेट्रोल का कनेक्शन लेके हमेशा खड़े रहते हैं, कहीं भी हल्की सी चिंगारी दिखे और ये लोग उस पर पेट्रोल डालें और विस्फोट करने की मंशा हमेशा इनकी रहती है। ना तो इनको शांति अच्छी लगती है, ना इन्हें सौहार्द अच्छा लगता है, ना इन्हें विकास अच्छा लगता है, इनको केवल और केवल देश के अंदर बैर वैमनस्य का जो एक विष, जो विष मन हमेशा से करते रहे हैं, जो अंग्रेजों से इनको विरासत में मिला है और एक तरह से जो मुगलों की एक तरह से नस्लें हैं ये लोग, मैं सोचता हूँ लोगों को शर्म नहीं आती, तुष्टिकरण में कितने अंधे हो जाओगे। जैसे कि ये लोग बार बार कभी कभी शंकराचार्य जी की बात करते हैं, तो ये लोग शंकराचार्य जी की बात करते करते उस समय कहाँ गए थे जब धनतेरस के रोज इन्होंने कांची काम कोटी पीठ के शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने का काम किया था, जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश भर में हुई थी, और आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर पे बोल अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपने कौन सा वकील खड़ा करा,
श्रीमान जी आपने राम मंदिर का विरोध करने के लिए 12-12 वकीलों की बड़ी टीम लगा रखी थी और आपके कपिल सिब्बल जी जो राम मंदिर का विरोध में आपने खड़े करे थे वहां पर। संजीव जी वापस आएंगे, राजीव चौधरी जी से जवाब ले। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक स्वरूप को लेकर, जिस तरीके से बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, चर्चा इसी पर कर रहे हैं। राजीव चौधरी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यशी, जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, उसके जो मूल मुद्दा है उसे समझ ही नहीं सके। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी जो है, जनसंख्या, उसकी आय का स्रोत है चार धाम यात्रा। आज इन्होंने केदारनाथ को शिफ्ट करेंगे, कल बद्रीनाथ करेंगे, फिर यमुनोत्री करेंगे, फिर गंगोत्री करेंगे, फिर हरिद्वार को उठा के ले जाएंगे या गुजरात। ये धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और मैं शर्मा जी आपको बता दूँ, 2013 में जब आपदा आई ना केदारनाथ में, तो वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी पैदल 25 किलोमीटर चल के राहुल गांधी गए थे। वहाँ की सारी व्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस ने पूरे देश से मांग की, अपील की थी। मोदी जी की तरह ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ गुजरातियों को बचाने के लिए आया हूँ। आप ये बातें छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सोनिया गांधी और आप एक बात बताओ, माननीय शंकराचार्य जी, अभी बीच में ना इंटरप्ट करो, क्यों बोल जाते हो आप, बीच में इंटरप्ट मत करो। माननीय शंकराचार्य जी जो हैं वो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, धर्माचार्य हैं, ईश्वर का स्वरूप है। हिंदू जो है उनके प्रत्येक आदेश को मानने के लिए बाध्य है अगर वो हिंदू है, और अगर हिंदू नहीं है, राजनीतिक हिंदू है, तो वो नहीं मानेगा। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि वहां जो है ये धाम को परिवर्तित नहीं किया जाता, हमारे वेद में, शास्त्रों में उल्लेख है, तो ये कैसे कर देंगे? ये आप कैसे कर देंगे, किस हैसियत से कर देंगे? तो ये दिखाई दे रहा है ना आपका, कल को जो है अगर इनका इन्हें रोका ना गया यशी, तो ये कल को जो है हरिद्वार की हर की पैड़ी को ले जाएंगे, वहां गुजरात, फिर जो है किसी और को ले जाएंगे, कैंची धाम को उठा के ले जाएंगे, कहीं देवी, हमारे यहाँ तो देवी के कितने धाम है, उन्हें ले जाएंगे। ये एक्चुअली कंफ्यूज्ड है, बीजेपी अपने कृत्यों में खुद कंफ्यूज्ड है कि वो सही कर रही है गलत, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं वही इनके खिलाफ जा रहा है। राजेंद्र जी, तो इसका मतलब ये है कि आप केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहे, आपकी पार्टी इसलिए ये सब नहीं कर रही, केदारनाथ के उपचुनाव महत्वपूर्ण नहीं? हमारे पार्टी ने, यशी हाँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हमारी पार्टी ने श्रीमती शैला रानी रावत के देहांत से पहले ये अपना कार्यक्रम बना लिया था। उनका देहांत बाद में हुआ, ये इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। हम धर्म की रक्षा के लिए बाध्य हैं और करेंगे, इनकी तरह हम फर्जी हिंदू नहीं बनेंगे, हम सनातन के फर्जी ठेकेदार नहीं बनेंगे। कौन से धर्म की रक्षा के लिए? अरे आपने तो मार दिए हिंदू, 80% हिंदू गरीब, 80% किसान गरीब हिंदू है इस देश में, यशी 90% से ज्यादा किसान हिंदू है, जो आज बदहाली के कगार पे सिर्फ इस भाजपा की नीतियों की वजह से। आज अगर अग्निवीर में युवा जा रहे हैं तो मोर देन 90% हिंदू की बात कर रहे हैं। अगर आज इस देश में बेरोजगारी है तो मोर देन 90% राहुल गांधी और यूथ आर हिंदू। अग्निवीर की ठीक है, राजेंद्र जी सुन लीजिए जरा, संजीव जी को भी। अरे आप राहुल गांधी संसद में कुछ नहीं, संजीव जी की बातों में कोई दम नहीं है, ये तो धोखा दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान की दाढ़ी लगा रहे हैं, तो केदारनाथ में तो घिर के खड़े हो गए इस पर। जब अच्छा अगर ये सही थे तो बैकफुट पे क्यों आए? अरे शर्मा जी, ये राजनीतिक भाषण नहीं हो रहा, ये धर्म की चिंता हो रही है।
धन्यवाद दूंगा मैं के न्यूज चैनल का मेरे वो धर्म के प्रति भी चिंतित है, बिजली के प्रति भी चिंतित है, चार धाम यात्रा के प्रति भी चिंतित है। तो सबसे अच्छा चैनल है जो चिंता हो रही है उत्तराखंड की सारी समस्याओं के प्रति गंभीर, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सनातन धर्म के तो विरोधी है, हिंदू के तो आप विरोधी है, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? राजेंद्र जी मुझे मुझे सिर्फ दो सवाल के जवाब दीजिएगा। पहला तो मेरा सवाल ये है कि आपने अभी खुद ये बात कही कि सरकार बैकफुट पर आ गई है, ठीक है। अब जब सरकार बैकफुट पर आ गई है फिर आप इसको क्यों कर रहे हैं, इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं? सब मूल सवाल तो मैंने आपसे यही पूछा और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। कि जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर है, वो ट्रस्ट बैकफुट पर है, फिर ये यात्रा क्यों? इनकी इनकी जो यशी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जी मैं अपनी अपनी आवाज को फिक्स करने की कोशिश करती हूँ। जी, मेरा कहना ये है कांग्रेस इस यात्रा को इसलिए निकाल रही है ताकि ये फिर कोई दोबारा बदमाशी ना करे। अभी ये नाम बदलने की करेंगे, फिर नाम में चेंज करेंगे, फिर धाम में चेंज करेंगे। इन इन ये जो है ये बिजनेसमैन हो गए धर्म के नाम के। ये तय कर लिया होगा कि कुछ जो है वहाँ केदारनाथ जो है शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरह का। इनका कोई यकीन नहीं है। कांग्रेस धर्म के प्रति गंभीर है, कांग्रेस उत्तराखंड के युवाओं के आय के स्रोत के प्रति गंभीर है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत चार धाम यात्रा है। जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था और ये उसके निमंत्रण, अरे तुम्हारा का धर्म है क्या? सारा देश भेज दिया तुमने, धर्म की बात कर रहे? राम मंदिर के ऊपर लगातार सारे मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे, ना दया ना धर्म। तुम्हारा तो हिंदुत्व से कोई नाता ही नहीं, दूर दूर तक का नाता नहीं। राम सेतु पर सवाल उठा रहे थे, वही लोग हैं और ये वही लोग हैं जो अभी कांवड़ यात्रा में जिस तरह से अभी मीट की दुकानों को, कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट की दुकानों को बंद करने की बात हुई। यशी तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में हजारों साल से कांवड़ चल रही है। 2014 में पहली कांग्रेस की सरकार थी जिसने उत्तराखंड की सरकार के खर्चे पर कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाया। तो उस धर्म की बात कर रहे हैं, जवाब दे दो ना, बोलने में क्या हर्ज है मेरे भाई? दीपक जी ठीक है रुक जाएगा संजीव जी। दीपक जी यूकेडी का क्या योगदान है इसमें, किस चीज में? ये केदारनाथ यात्रा जो यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा निकाली जा रही है, साथ ही साथ इसका जो विरोध हो रहा है, सरकार बैकफुट पर है उसके बावजूद, तो यूकेडी का क्या योगदान है इसमें? यूकेडी अब क्या चाहती है? देखिए यूकेडी स्पष्ट कर दिया है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इस प्रदेश के लिए एक सांप्रदायिक नागना और वो उन्होंने करके दिखा दिया। अब तो ये प्लान रोकते रोकते हमारे धामों का प्लान कर रहे हैं, हम तो दोनों का ही विरोध कर रहे हैं। रही बात ये कहना राजनीति की, तो राजनीति का कर कौन रहा है यासी जी? यदि वही यदि केदारनाथ के जो मंदिर है जो बुराड़ी में खुला, किसी शंकराचार्य से किसी मठ के किस करवा देते तो क्या ये मुद्दा बनता? जब स्वयं मुख्यमंत्री जाके वहां शिलान्यास करेंगे तो राजनीतिकरण होगा। राजनीतिकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट करा इस पूरे प्रकरण का। अब उसमें जो उनके बैकफुट में अगर सरकार आई है तो विपक्ष के इस विरोध के बाद आई है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो पंडित समाज है, जो पंडित हैं, जो व्यापारी है, उनके विरोध से आई है। आज अगर ये जो अध्यादेश आया है कैबिनेट का कि पास करेंगे, ये विपक्ष की ताकत है जो इनको झुकाने पे लगी हुई है। लेकिन उन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप देखिए कितनी इनकी सुनियोजित प्लानिंग थी कि आज शिलान्यास किया और उसके अगले दिन ही 24 घंटे में नहीं हुआ QR कोड जारी हो गया कि पैसे इकट्ठे किए जाएंगे QR कोड। अरे इसको समय लगता है, मतलब पूर्ण सुनियोजित तरीके से ये साजिश की जा रही थी पिछले 2 साल से। अब तो उत्तराखंड कार्यकर्ता दल मांग कर रहा है ऐसे कौन कौन से लोग हैं सफेदपोश या नेतागण जो इस साजिश में लगे हुए थे, कि जो इसके पीछे लगे हुए थे। अब वो तेलंगाना वाला मुद्दा भी आ गया। अब ये पता तो करें कि कौन कौन से विचारधारा के लोग हैं, ये कौन यहाँ के हितैषी है, यहाँ जो इतना हित रख रहे हैं कि यहाँ के धामों को नाम अलग अलग राज्यों में ले जा रहे हैं। ये कौन है जो यहाँ के लोगों के जो रोजगार का मुख्य साधन है? एक एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये रीढ़ है यहाँ के लोगों की चार धाम यात्रा, और एक तरफ वो उसी दलदल में फंस रहे हैं कि यहाँ से धामों का पलायन करवा रहे हैं या मंदिरों का पलायन करवा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा ना।
अगर वो इस तरह सनातन धर्म की या हिंदुत्व की या मंदिरों मंदिरों की राजनीति करती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। दीपक जी, कल तक आप प्रतीकात्मक स्वरूप के खिलाफ नहीं थे, मैं वही तो कहना चाह रही हूँ। चार दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आज चौथा दिन है और चार दिन से अभी तक आपको इससे प्रॉब्लम थी कि वो धाम क्यों बना रहे हैं। आपको प्रतीकात्मक स्वरूप से कोई समस्या नहीं थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रतीकात्मक स्वरूप से अचानक समस्या क्यों होने लगी है। कल भी आपके डिबेट में था, मैंने बोला था कि प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल गलत था। जो 6 महीने वहां रहेंगे, जो वहां जो यात्री वहां नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर आके दर्शन कर लेंगे केदारनाथ के, ये मुख्यमंत्री ने स्वयं बोला, ये कथन गलत था। मुख्यमंत्री का उस कार्यक्रम में जाना गलत था और खुद स्वयं शिलान्यास करना गलत था। उत्तराखंड कराते तो संजीव जी जवाब दीजिए, कार्यक्रम उसका विरोध कर रही है और आज अगर ये अध्यादेश लाए हैं क्या ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो जो ट्रस्ट बना है या जो जो ठीक है। संजीव जी जवाब देंगे, संजीव जी जवाब दीजिए। हेलो यशी जी, जी संजीव जी, जी जी बताए, संजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी। यशी जी देखिए, आप दिल्ली के जो मंदिर की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा था, ये बन रहा है और जो उन लोगों ने अपने ट्रस्ट का नाम जो रखा हुआ था केदारनाथ धाम ट्रस्ट, तो उस ट्रस्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है। और जिस तरह से भी मैंने पहले उल्लेख किया कि हमारी सरकार ने, एक सवाल सुन लीजिए, क्या उस मंदिर का नाम अब केदार मंदिर केदारनाथ मंदिर होगा? आज के अध्यादेश के हिसाब से तो वो ट्रस्ट किसी भी हिसाब से रख नहीं सकता उसका नाम। अब तो वो मंदिर केदारनाथ मंदिर हो, किसी भी उत्तराखंड के किसी भी धाम के नाम से, मंदिर के नाम से या ट्रस्ट के नाम से वो मंदिर बना ही नहीं सकता। तो अब आप बताइए क्या वो जो मंदिर की बात आप कर रहे हो वो क्या आप रखेंगे इसका नाम? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी केदारनाथ मंदिर बन रहा है? आज जो अध्यादेश कल कैबिनेट ने पास करा है या करने वाली है जो आज समाचार मत, आप ये स्पष्ट करिए ना जनता को, और इससे पूर्व जितने खुले हुए उन पर कार्रवाई होगी। इसको मिलाकर इस ट्रस्ट को भी जो दिल्ली वाला ट्रस्ट है इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस ट्रस्ट में है, जिस तरह का अनैतिक कार्य उन्होंने करा है इस प्रदेश के लिए। आप तो करिए, हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं, आप करें तो सही। यशी जी क्योंकि कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में यह निश्चित किया गया है किसी भी मंदिर मठ और ट्रस्ट से मिलता जुलता कोई भी नाम यदि कोई भी नहीं रख पाएगा, और मैं सोचता हूँ कोई भी इस तरह की यदि कुछ होता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी और निकट भविष्य में मैं सोचता हूँ इस प्रकार का स्थिति की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं आस्था के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। और अब बात कौन कर रहा है? वो लोग बात कर रहे हैं जिनका सनातन से इस तरह का एक वैर वो हमेशा दर्शाते रहे, वो लोग केदारनाथ धाम की केदारनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। और मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया, उनके मूल में केवल और केवल राजनीति है, वो इसके पीछे केवल जो केदारनाथ का उपचुनाव होना है वो केवल उसको देख रहे हैं। उपचुनाव हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा ये लोग नाम भी लेने वाले नहीं। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अग्निवीर की बातें कर रहे थे, तो अग्निवीर जैसी एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना परियोजना उसके ऊपर भी आपने जिस तरह से देश भर में एक भ्रम भय और एक अराजकता का एक वातावरण बना के रखा, जिसके ऊपर आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में पूरे देश की संसद को देश की जनता कटकटी लगाकर देख रही थी, और जिस तरह से आपने वहां पर एक अराजकता का एक भद्दा मजाक देश के सामने करने का काम किया, अग्निवीर के ऊपर आपने झूठ बोलने का काम किया, आपने कहा
अग्निवीर के जो शहीद होते हैं अराजकता का माहौल तो शर्मा जी आपने मंगलौर में किया, जबकि अराजकता का माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी समय अराजकता का माहौल गुजरात में, अराजकता का माहौल आपने पूरे जो है आसाम में कर दिया। आप कहाँ से उसकी बात कर रहे हैं? और स्वच्छ प्रशासन की बात आप ना करें, आपके खुद के सांसद विधायक कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिलने का जो झूठ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है आप पर सवाल उठा दिया, आप हमें बोला गया जो है सुना रहे। और उनके जो परिजन हैं शहीद के परिजन, उन्होंने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि ना तो मेरे से कभी राहुल गांधी मिले और ना मैंने कभी इस तरह की बात करी। तो इतना गैर जिम्मेदाराना बात करना, मैं सोचता हूँ आप लोगों को लाज आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई भी बेरोजगारी पे भी बोल दो कुछ, ये बेरोजगारी का जो आंकड़ा आपकी सरकार दे रही है वो झूठा है। और मैं आप बोलिए ना, जो महंगाई होगी वो गलत है आंकड़ा। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पष्ट किया है, मुझे आपने म्यूट किया हुआ है यशी, जो अग्निवीर आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र यशी जी, 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। नहीं आप शर्मा जी, आप व्हाइट पेपर जारी करो, इस देश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, डॉलर 40 रुपए का हो गया, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया, आप करो ना, आप कहो पुलिस में। और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आपकी खरीद फरोख्त ब्लैकमेलिंग से आपको बद्रीनाथ में चित कर दिया, और जल्दी आप केदारनाथ में होने जा रहे हैं, हरिद्वार से आपको बाहर कर दिया। हरिद्वार में फिलहाल 11 में से 8 विधायक विपक्ष के हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें भी इस बात का वो किया है कि 30,000 रुपए तक आप जो अग्निवीर रिटायर होके आते हैं, सॉरी 4 साल के बाद आते हैं, तो आप 30,000 रुपए तक उनको दें, और उसके ऊपर भी राज्य सरकार उनको 8,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का काम कर रही है। यदि अग्निवीर अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक का 0% रन देने का काम भी सरकार करेगी। और तो मैं सोचता हूँ सरकार पूरी तरह से अग्निवीर के साथ है, और विपक्ष अग्निवीर के ऊपर जो लगातार झूठ परोसता रहा है। अरे सरकार अग्निवीर का क्या करें हम, अग्निवीर तो अभी ये मुद्दा ही नहीं है, अभी तो आप ये बताइए कि ट्रस्ट ये जो बनाया है, ये जिसका विरोध हो रहा है, इसका सामना कैसे करेंगे आप, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव होंगे और विपक्षी दल जिस हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वैसे लग नहीं रहा है कि बीजेपी की दाल गलने वाली। यशी जी देखिए, पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से कल बात हुई है, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया है, बहुत शीघ्र ही ये अपनी एक कानून की शक्ल ले लेगा। और जिस तरह से विपक्ष ने एक चेष्टा करी थी कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की, तो विपक्ष की भी पूरी तरह से हवा निकल गई है। और मैं सोचता हूँ केदारनाथ की जनता भी के ऊपर फूफू कर रही है कि कम से कम जो धार्मिक आस्थान है, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनके ऊपर तो कम से कम राजनीति ना करें, शर्म करिए थोड़ी। दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? जनता को पता है आप जी बोल कौन रहा है, चेहरा धर्म के ठेकेदार जो राम मंदिर के मुद्दे में सत्ता में आ रखे हैं वो बोल रहे हैं। इससे फिर इससे हास्यास्पद बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसका राजनीतिकरण ना करें। अरे राजनीतिकरण तो आपने वहां जाके शिलान्यास करके कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं आए श्रीमान जी, विकास के मुद्दे पर आए। हमने दीपक जी राम मंदिर के मुद्दे पर अगर सत्ता में बैठे होते तो अयोध्या हारते नहीं ना, और आपको वो मुद्दा नहीं मिलता। हम सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर, हमने कभी राजनीति करी नहीं, हमने सबको आवाज दिए, सबको शौचालय दिए, सबको जनधन दिया, सबको उज्ज्वला दिया। बताइए कभी डिस्क्रिमिनेशन किया है क्या, डिस्क्रिमिनेशन किया है क्या? इतिहास के पन्ने खोलिए, कार सेवा आप ही के लाल के अडवाणी के नेतृत्व में लगी चली थी, आप क्यों भूल जाते हैं चीजों को? कार सेवा जी, कार सेवा चली थी तो कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलाने का काम किया था। बात क्या कर रहे हैं,
संजीव जी, मैं कह रहा हूँ आप राजनीति करी है, आप चलाने का काम किया था, वो भी समाजवादी पार्टी ने किया था, जानकारी है ना, तो इस बात का भी उल्लेख करिए, बोली चलाने का काम किसके द्वारा किया गया था, और गोधरा सेवकों की ट्रेन में जिंदा जला दिए गए थे, कहावत तो ये जिंदा जला दिए गए थे मंदिर के शिलान्यास करके, तो आप कुलाड़ी पर खड़े उठे, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने उसी का दर्द आपके ऊपर बयान कर रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोला था, एक शब्द भी नहीं बोला था, बल्कि जो यानी जी इस पूरे प्रकरण में शामिल लोग थे उनकी पैरवी के लिए उनके ढाल बनकर ये लोग खड़े हो गए, तो आप बताइए ये राज्य स्तर का जिसने इस मुद्दे को ना बोला, उनकी पैरवी करते हैं आप, केदारनाथ के प्रति आस्था दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का इसके बारे में अब तक कुछ भी बयान नहीं आया है, ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय बना हुआ है कि केदारनाथ मंदिर के बारे में, उनकी आस्था के बारे में जितना उनका लगाव, जितना प्यार, जितनी आस्था। दीपक जी कैसी बातें कर रहे हैं, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बयान देते फिरते हैं क्या? मणिपुर में जवाब मांगा जा रहा था, समझ में आता है, अब आपको केदारनाथ के लिए भी प्रधानमंत्री का ही जवाब चाहिए, थोड़ी मुख्यमंत्री जी की भी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं। मणिपुर के ऊपर, मणिपुर के ऊपर जब सरकार बोलने, जब सरकार ने बोलने के लिए विपक्ष को आमंत्रित किया, उन्होंने तो बात करते हुए एटेड रन की पॉलिसी ये लोग बनाते हैं। देखिए ये टॉपिक नहीं, राजेंद्र चौधरी जी बार बार यही कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, आपको लग रहा है आप इस तरीके की राजनीति करेंगे केदारनाथ का उपचुनाव जीत जाएंगे, और इसके अलावा आपकी कोई मंशा नहीं है, केदारनाथ के प्रति कोई लगाव नहीं है, और ये जो शिला बार बार दिल्ली से वापस मंगाने की बात कही जा रही है, इस पर भी क्या कुछ कहना है? एक तो शिला वापस आनी चाहिए, शिला से एक हिंदू समाज में, विशेषकर उत्तराखंड में और देवभूमि में एक मैसेज चला गया कि इस सरकार की संलिप्तता है, और इस सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शिला भेजी है। दूसरी चीज़, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, ना कांग्रेस राइट की राजनीति करती है, ना लेफ्ट की, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। हमारे लोगों ने मंदिर भी बनवाए तो एम्स भी बनवाए, हम तो लोगों को जन सहूलियत जन सुविधा देने के लिए कांग्रेस जो है राजनीति में है, और इनका तो सिर्फ एक ही काम है, धर्म धर्म धर्म, और धर्म में भी इनकी चोरी पकड़ी गई, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की भूमि के घोटाले में चंपक लाल जी पे सीधे सीधे आरोप लगे और साबित हुए, और इसमें भी कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारे दीपक रावत जी कह रहे थे यूकेडी के हमारे साथी, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, धर्म की आस्था से खिलवाड़ का मुकदमा कायम होना चाहिए, और किस किस की इसमें संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग आपके चैनल के माध्यम से करता हूं, और मैं दीपक भाई की बात से कतई सहमत हूं। कांग्रेस कोई चुनावी राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रही, हम बंगला और जीते, यशी हमारी सरकार नहीं बनी, हम बद्रीनाथ जीते हमारी सरकार नहीं बनी, अब अगर ईश्वर ही चाह रहा है, हरिद्वार में हम जीत गए, बद्रीनाथ में हम जीत गए, अगर ईश्वर चाहते हैं कि हम केदारनाथ भी जीते तो आप गलतियां करेंगे ही, आप बार बार ऐसी गलतियां करेंगे जिससे कांग्रेस जीत जाए, देश बना के छोड़ रखा, और जनता दुखी है, महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, आपके जो अभी आपने 5 मिनट अग्निवीर पे भाषण दिया उससे दुखी है, अरे और तो और पत्रकार भी दुखी है भाई, 14 के बाद से पत्रकारों को कोई सहूलियत नहीं दे रहे आप, उन्हें बसों में ट्रेन में कोई छूट नहीं दे रहे, आपने बुजुर्गों की ट्रेन की बस की छूट खत्म कर दी, आप तो तानाशाही की सरकार चला रहे, चला लो और उत्तराखंड में भी चलेगी आपकी 24-25 महीना हो रहा है, जहां 2.6 जीडीपी अमेरिका जैसे देश की हो, एक बात का जवाब दे दीजिए आप मुझे संजीव भाई, लंदन 2017 में जब कांग्रेस की सरकार गई
44,670 करोड़ रुपया उत्तराखंड पे खर्च था यशी, आपको बेहतर मालूम है। और आज 2024 में 1,00,000 करोड़ कर्ज हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीडीपी 5 है, हमारी 7 का अनुमान लगाया गया है। ये इधर सिलाविला पटना को ये हिसाब तो ये कर्ज क्यों हो गया? बिजली महंगी कर दी, हर चीज पे आपने रेट बढ़ा दिया, सबके रेट बढ़ा दिए। मजबूत हो रही है, जिससे आपको कष्ट होता है, क्योंकि विकास आप देखना चाहते नहीं। विकास बढ़ाने से विकास विकास दीपक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। दीपक जी, याशी जी, हम ये भी देख रहे हैं कि ये सब हम ये भी देख रहे हैं, संजीव जी का बिल्कुल कहना है कि देश कहां से कहां पहुंच रहा है, और विडम्बना है, हम ये भी देख रहे हैं कि यहां के धाम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, यही सरकार के अंतर्गत देख रहे हैं। अगर हम एक तरफ देश की प्रगति देख रहे हैं वो सराहनीय है, तो उत्तराखंड के धाम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कि तेलंगाना तक पहुंच रहे हैं, ये इसी सरकार की वो करनी का फल और देन है। उसके बारे में संजीव जी क्यों नहीं बोलना चाहे बोल रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है ना कि सरकार बैकफुट पर है, उसके बावजूद भी अगर विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है तो समझ में आ रहा है क्यों संजीव जी? राजनीति दल समाज सेवा तो नहीं करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी की तरह? आपको रोकते हुए कहता हूं, विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा यशी, ये तो ये गलतियां कर रहे हैं, बेवकूफियां कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा करिए। अब ये मैं क्या बोलूं, ये वही राजेंद्र चौधरी जी हैं, जितनी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, इनकी वरिष्ठता का मेरे को देखकर थोड़ा सा ख्याल आ रहा है। इनके साथ जो अभद्रता कांग्रेस भवन में कांग्रेस के लोगों ने करी थी, जहां इनको अभद्रता के मैं सोचता हूँ सारे पैमाने लांग गए थे, इनके कपड़े तक फाड़ दिए थे और इनके दूसरे गुट के द्वारा, तो मैं सोचता हूँ इनको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहले संजीव अपनी गलती सुधार रहा है, हम वही चाहते हैं कि वो जो केदारनाथ धाम को लेकर बात कही जा रही है वो ना कही जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, धाबिनी ने जहां एक और कैबिनेट पर प्रस्ताव पास किया है कि कोई भी ट्रस्ट या नाम को लेकर उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर होती हुई नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।